हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, घर से देखिए मैं अपनी ये देसी मुर्गी लेके आया हूँ, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बच्चे हैं और ये देसी मुर्गी है। तो मैं घर से इन सबको ट्रांसपोर्ट करके मतलब इसमें बॉक्स के अंदर डाल के लगभग 40 प्लस बच्चे हैं इसके साथ में और मुर्गी है, तो ये छोटे से बॉक्स में डाल के लेके आया हूँ। तो ये मेरा खेत वाला फार्म आप देख सकते हैं, तो इस फार्म में डालेंगे आज। तो ये वीडियो मैं सोचा कि चलो इनका ट्रांसफर करने का वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कार्टून बॉक्स है, ये अंदर लेके जा रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये कार्टून बॉक्स हमने रख दिया है और अभी हम बच्चों को और इनको, ये देखिए, कोई डैमेज तो नहीं हो गया, देखना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे बच्चे थे इस कार्टून बॉक्स के अंदर, कोई डैमेज नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा हमको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोई भी डैमेज नहीं है, सब एकदम से हट्टे कट्टे हैं, सब कुछ सही है। देखिए कितने बच्चे हैं, मैं खुद हैरान हूँ इतने छोटे से बॉक्स के अंदर इतने सारे बच्चे कैसे आ गए, ये देख सकते हैं आप। इतने सारे बच्चे एक कार्टून बॉक्स के अंदर आ चुके हैं ये। और ये देखिए, अभी सब मुर्गियां देखिए उधर साइड में चले गए हैं, बच्चे वगैरह इनसे थोड़ा डर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं उनसे, थोड़ा करके सब उधर चले गए हैं। और ये मुर्गी आ गई है, ये मुर्गा मुर्गी से लड़ने का कोशिश किया लेकिन ये फिर वापस साइड में हो गया। अभी देख सकते हैं आप, ये मुर्गा आया है, गब्बर, गब्बर नाम है इसका, रोज कॉम ब्रीड का है, देसी मुर्गा है। तो देखते हैं कैसे क्या रिजल्ट रहता है इनका। ये दाना पानी के लिए रखा हुआ मैंने, देख सकते हैं दाने के लिए रखा है, तो उसको थोड़ा और डाउन कर देंगे ताकि बच्चे उसमें दाना खा पाएँ ईजिली। अभी देखते हैं ये क्या रिजल्ट रहता है, या मुर्गा इसको मारता है या नहीं मारता है मुर्गी को। आप देख सकते हैं देसी मुर्गी है, ये डबल एफजी की मुर्गी है, कितना फ़र्क है। और वो देख सकते हैं ये बाकी वाले पहले वाले बच्चे हैं, ये वाले बच्चे परेशान तो कर रहे हैं इन मुर्गियों को, लेकिन ये देखिए ये मुर्गी इसको साइड हटा रही है इनको। तो इनको एडजस्ट होने में फ्रेंड्स एक दिन का टाइम तो लगेगा ही, एक दिन में ये सब इनके साथ में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एकदम से इनको लेके आए हैं यहाँ पे तो टाइम लगता है। और लगभग 20 दिन के आसपास के बच्चे हैं सभी, जो है 20 दिन के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हेल्दी हैं मेरे बच्चे सभी, और एक दूसरे से गोल मिल रहे हैं, मुर्गी के साथ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना तंदुरुस्त है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मेरा लगभग पूरा हरा भरा हो गया पूरा मेरा इधर का। ये देखिए, ये काफ़ी बच्चे हैं मेरे देसी मुर्गी के इधर ही। तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो अभी मैं सेल्स नहीं करूँगा, मैं अभी फ़ायदा उठाऊँगा लॉकडाउन का, सर्दी में सेल्स करूँगा। तो सर्दी तक ये बच्चे भी रेडी हो जाएंगे, सब कुछ रेडी हो जाएंगे, भाव भी अच्छा मिल जाएगा मेरे को। और इनके खासकर अंडे सेल के लिए मैं रखा है इनको। ये देखिए, इन्होंने अपनी जगह बना ली है इधर, मुर्गी ने जगह बना ली है, ढूंढ ली है इधर ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और थोड़ी देर में इनको वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे घुल मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। एक घंटे के बाद में इसका मैं एक और टेक लूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को लाए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो मैंने ये फीडर इधर रख दिया है, इधर से उठा के इधर सामने रख दिया ताकि बच्चे इसमें आसानी से पहुंच पाएं। और ये देख सकते हैं, ये गब्बर जो बच्चा है, रोजकॉम वाला मुर्गा है, ये मुर्गा इनको मार मुर्ग वगैरह कुछ नहीं रहा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो मार नहीं रहा है। और जो मुर्गी है वो अंदर बैठी हुई है, आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं, वो देखिए वो थोड़ा मिट्टी से स्नान कर रही है, मिट्टी में नहा धो रही है, क्योंकि छत पे मिट्टी नहीं मिलती है तो इसलिए खेल नहीं पाती है मिट्टी में। और दो मुर्गियाँ ये अंदर गई हुई है, तो ये बच्चों को नहीं मार रही हैं, मार रही होती तो मैं हटा देता है इनको, लेकिन ये बच्चों को नहीं मार रही हैं और अपने माँ के पास में ही रह रहे हैं बच्चे ये। इन्होंने जगह भी ढूंढ लिया, इधर ही रह रहे हैं, थोड़े दिनों में ये जब मुर्गी बाहर आएगी तो इनके साथ में बाहर आएंगे ये भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी सी अपडेट थी, बिल्कुल छोटी सी, मिनिमम वीडियो बनाई है छोटी सी। तो वीडियो कैसी लगी और ये मेरे बच्चे आपको कैसे लगे, इन पे कुछ आप वीडियो देखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा। बाकी इनकी ग्रोथ वगैरह पे अभी वीडियो आएगी कि ये बच्चे ग्रोथ नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उन पे जल्दी वीडियो बना रहा हूँ।